आज का कार्यशाला जीवन का अद्भुत क्षण था। जब जिम्मेदारी मिली थी उस समय मैंने एक संकल्प लिया था कि भूपेश बघेल की इस लबरा सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक माला नहीं पहनूंगा। आज मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे माला पहनाया, मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण है। कहीं जैसे ही हम मंडल पर जाते हैं थोड़ी सी इन विषयों की कमी दिखाई देती है। इस विषय का चिंतन करते हुए देश भर में मंडल सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है आप सबके ऊपर। जहाँ विधानसभा चुनाव को हारे हैं वहाँ युवा मोर्चा को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहाँ हम लोकसभा में कैसे जीतें ये मुख्यमंत्री जी ने हम सबके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंडल सशक्तिकरण को के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक कार्यशाला हुई। उस कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहां शामिल हुए। आप देख रहे हैं कि प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये मीटिंग चली, 3 सत्रों पर ये कार्यशाला हुई थी। और इस कार्यशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा को आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से उतरना है, क्या क्या उनको टास्क दिया गया, किस तरह से मंडल शक्ति केंद्र और बूथ को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह से मोदी की गारंटी का जो वादा किया गया है विधानसभा चुनाव में उसको किस तरह से पूरा करना, और उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका इनको दी गई है। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत यहाँ मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री आए थे, हमने देखा कि बहुत भव्य जोशीला आप लोगों ने स्वागत किया, फूल मालाओं से लाद दिया उनको, जय श्री राम के नारे भी लगे और उसके बाद आपकी कार्यशाला में भी शामिल हुए। क्या उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया, क्या क्या निर्देश दिया, क्या क्या टास्क दिया आप लोगों? मेरे लिए तो आज का कार्यशाला जीवन का अद्भुत क्षण था। जब जिम्मेदारी मिली थी उस समय मैंने एक संकल्प लिया था कि भूपेश बघेल की इस लबरा सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक माला नहीं पहनूंगा। आज मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे माला पहनाया, मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी और साथ में संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सबका मार्गदर्शन मिला है। आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत कैसे मिले इसके लिए मंडल को मजबूत करना है। हमारी जिले की इकाई बहुत मजबूत है। हम एक सूचना में जिले के सारे पदाधिकारी बैठकों में आते हैं, बैठकों का रजिस्टर मेंटेन होता है और हर गतिविधि में जिले की भूमिका होती है। लेकिन कहीं जैसे ही हम मंडल पर जाते हैं थोड़ी सी इन विषयों की कमी दिखाई देती है। इस विषय का चिंतन करते हुए देश भर में मंडल सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, लेकिन चुनाव और आचार संहिता कारण हम इस विषय को रोक के रखे थे। अभी चुनाव हो जाने के बाद इस प्रक्रिया को हम मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई आज पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिले, उन्होंने क्या कहा आप लोगों से, क्या अपेक्षा की आगामी लोकसभा चुनाव? मुख्यमंत्री जी ने कहा जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है आप सबके ऊपर। जहाँ विधानसभा चुनाव को हारे हैं वहाँ युवा मोर्चा को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहाँ हम लोकसभा में कैसे जीतें ये मुख्यमंत्री जी ने हम सबके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जितनी बड़ी जीत हुई है अब उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को है। जिन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी इन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि लोकसभा चुनाव में वहां से लीड दिलाएं और 11 से 11 सीट जीतकर आएं। अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन का इतना कितना असर हुआ है और अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमको सुझाव दें और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।